मैंने आपको बताया था इस राशि क्या है, अधिस राशि क्या है, फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था दूरी और विस्थापन के विषय में। आज हम उसी के आगे चलते हैं, जिसमें डिस्कशन करते हैं हम लोग चाल, चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, स्पीड क्या है, ठीक है। देखिए चाल क्या है, किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। यानी कहने का मतलब आप जब है 5 मिनट में या 5 सेकंड में आप लोग या कोई कह गया एक रेलगाड़ी है जो 2 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है 90 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी जिसने क्या किया 2 घंटे चली और उसने कितनी दूरी तय कर ली 90 किलोमीटर, कितनी दूरी तय कर ली 90 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली। तो उसने 2 घंटे में जब 90 किलोमीटर की तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा 45 किलोमीटर। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एकांत समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है चाल कहलाती है। किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है चाल कहलाती है। यह अधिस राशि है। कैसी राशि है अधिस राशि है, ठीक है। अब इसके मात्रक इसके प्रकार आते हैं, चाल के प्रकार में आपका आता है क्या एक समान चाल, नंबर 2 असमान चाल, नंबर 3 तत्क्षणिक चाल और नंबर 4 आपका होता है औसत चाल। तो चाल के प्रकार कितने हैं, चाल के क्या है प्रकार है, क्या चाल के प्रकार, एक समान चाल, असमान चाल, तत्क्षणिक चाल और औसत चाल। एक समान चाल क्या होती है, जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई व्यक्ति कार चला रहा है, तो जब वो कार अपनी चला रहा है तो हम क्या देखते हैं कि पहले 5 घंटे में वो 200 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर अगले 5 घंटे में फिर से उसने 200 किलोमीटर दूरी तय की, फिर अगले 5 घंटे में उसने क्या किया 200 किलोमीटर दूरी तय की। तो आप कहते हैं समय ड्यूरेशन कैसी, 5 5 5 यानी समान, और दूरी की ड्यूरेशन कैसी है समान है, यानी समान समय अंतराल में कैसी दूरी तय कर रहे हैं हम, समान दूरी तय कर रहे हैं। तो उसकी चाल कैसी होगी एक समान चाल, जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। अब आते हैं असमान चाल क्या होती है। देखिए इसी तरीके से असमान, देखिए सुनने में असमान, जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसे समान चाल कहते हैं। समान चाल में दूरियां समान होगी, बस असमान से ऐसे नहीं, मान लीजिए पहले 200 चले, अगले 5 घंटे में 300 किलोमीटर तय कर ली और अगले में मान लो 100 किलोमीटर दूरी तय कर पाया, तो इसकी क्या चाल होगी असमान चाल। जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो वह इसकी असमान चाल कहलाती। चलते आगे तत्क्षणिक चाल, तत्क्षणिक चाल कहता है जब कोई गतिमान पिंड अति सूक्ष्म समय अंतराल में सूक्ष्म दूरी तय करता है तत्क्षणिक चाल कहते हैं। ये चाल जो बहुत तेजी से होती है, सूक्ष्म अंतराल में बहुत सूक्ष्म सा विस्थापन होगा, दूरी बहुत सूक्ष्म होगी तब यह आपकी तत्क्षणिक चाल होगी। यानी जब कोई गतिमान पिंड अति सूक्ष्म समय अंतराल में अति सूक्ष्म दूरी तय करता है तो उसकी चाल तत्कालिक चाल कहलाती है। अब आते हैं औसत चाल। देखिए औसत चाल क्या होती है, देखिए जैसे मान लिया कोई पिंड 5 घंटे में यानी 5 आवर्स में उसने 200 किलोमीटर दूरी तय की, अगले 5 आवर्स में उसने 100 किलोमीटर दूरी तय की और अगले 5 आवर्स में उसने 300 किलोमीटर डिस्टेंस चल दिया, तो उसकी जो कुल दूरी होगी क्या होगी, कुल दूरी वो कितनी हो जाएगी 200 100 300, कितना आ गया 600 किलोमीटर। कुल समय निकाल लेंगे क्या आ जाएगा 5 + 5 + 5 कितना आ गया 15, तो कुल दूरी बटे कुल समय निकाल लेंगे
कुल दूरी बटे कुल समय निकाल लेंगे, 600 बटे 15, 15 का भाग दे दिया, 15 चौक 60, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल दूरी और कुल समय का जो अनुपात होगा उसे हम क्या बोलते हैं, औसत चाल। यानी किसी गतिमान पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। किसी गतिमान पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। ठीक है, चाल क्या है, किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल के प्रकार एक समान चाल, यदि कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में भिन्न दूरी तय करे तो उसकी चाल समान चाल कहलाती है। जब कोई गतिमान पिंड अति सुस्त समय अंतराल में सुस्तम दूरी तय करता है क्षणिक चाल, इसे तत्कालिक चाल भी कहते हैं। गतिमान पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। चाल कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है, मात्रक इसका मीटर पर सेकंड होता है। इस तरह से हमने आपको अभी क्या बताया, चाल के बारे में बताया। चलते हैं वेग के बारे में आपको बताते हैं। देखिए वेग क्या है, जैसे चालकर वैसे वेग की प्रभाव से बोलेंगे, किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांत समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांत समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वहां चाल पे यहां पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, वेग सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसका मात्रक वेग मीटर पर सेकंड हो। चलते हैं वेग के प्रकार, एक समान वेग, असमान वेग, तत्क्षणिक वेग, ऊर्जा वेग। एक समान वेग क्या होता है, जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करता है उसे एक समान वेग कहते हैं। जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो एक समान वेग, और जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करता है तो समान वेग कहलाता है। जब कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करता है तो समान वेग कहलाता है। और जब कोई गतिमान पिंड अति सूक्ष्म समय अंतराल में सूक्ष्म विस्थापन तय करता है तो क्षणिक वेग कहलाता है। और किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात तत्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और समय का अनुपात तत्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जैसे आपके चाल थी वैसे ही आपके वेग हो गए। ठीक है, अब आपको इसी में हम आगे चलते हैं, चाल और वेग में अंतर बताते हैं। इसमें अंतर बताते हैं चाल और वेग। देखिए इनमें अंतर क्या था, पहला अंतर तो आपका जो है वो इसकी डिफिनेशन सी का है, क्या किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांत समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। दूसरे अंतर में इसका यह हमारी अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, और यह हमारी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि चाल अदिश है, वेग आपकी अदिश है। इसके बाद यह तदेव कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, और वेग आपका कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो मुख्य तीन अंतर जिस तरह से दूरी और विस्थापन में थे वैसे चाल और वेग में भी है। चाल किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांत समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, चाल का मान धनात्मक होता है, वेग का मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आज के वीडियो में मैंने आपको चाल और वेग के बारे में बताया, चाल क्या है, चाल के प्रकार, वेग क्या है, वेग के प्रकार जिसको चाल होगी उसको वेग भी तैयार होगा, और इन दोनों में मैंने आज अंतर बताया। आज के लिए आपके लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे, बाकी नोट्स आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा, उसे आप लोग अपने पेज नोटबुक बना लीजिएगा और प्रॉब्लम आपको उसको लगा। ओके, थैंक यू।